नमस्कार, मैं हूं दिशा मिश्रा। आप देख रहे हैं देश देशांतर। वक्त हो चला है आज देश विदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। केएमसी चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी किया घोषणा पत्र। राज्यपाल धनखड़ ने स्पीकर विमान पर साधा निशाना। भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का किया सफल परीक्षण। पीएम मोदी ने कहा पूरे होंगे जनरल रावत के सपने। जनरल रावत पर अपमानजनक बयानबाजी करने वाले सलाखों के पीछे त्रिपुरा सरकार ने चुराया बंगाल का विकास। सरयू नहर परियोजना के बहाने पीएम ने साधा अखिलेश पर निशाना। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को दी गई अंतिम विदाई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा महज चुनावी मोहरे ही रह गए हैं कश्मीरी पंडित। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी मेडिकल राहत। आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए टीएमसी ने शनिवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। 10 दिनगत कोलकाता नाम के जारी घोषणा पत्र में निगम से जुड़ी कई सुविधाओं को ऑनलाइन बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। टीएमसी ने हर वार्ड में महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का भी वादा किया। घोषणा पत्र महाराष्ट्र आवास में सुब्रत बख्शी ने जारी किया। মানুষ কে কলকাতা পৌরসভা দপ্তরে পৌঁছতে না হয় অনলাইনে সমস্ত কিছুর অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে। তো স্বাভাবিকভাবেই আরও এটার উপর জোর দিয়ে অনলাইনে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা, জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা যাতে অনলাইনের মাধ্যমে হয় তার জন্য প্রচেষ্টা কলকাতা পৌরসভা চালাবে এবং মানুষের সমর্থন পেলে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয় আমরা নিশ্চিতভাবে মানুষের কাছে সেই পরিষেবা পৌঁছে দেব। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य सरकार के बीच तल्खी कोई नई बात नहीं है। इस बार राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हावड़ा नगर निगम से बाली को अलग किए जाने संबंधी विधेयक को लेकर राज्य सरकार से मांगी गई जानकारी नहीं मिलने पर स्पीकर विमान बनर्जी पर निशाना साधा है। दरअसल शनिवार को राज्यपाल हावड़ा के शिवपुर के प्रख्यात कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ को देखने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं जो उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। भारत ने देसी तकनीक से बने पिनाका रॉकेट सिस्टम का पोखरण में सफल परीक्षण किया। परीक्षण में डीआरडीओ की भूमिका अहम रही। इस बारे में पता चला कि 3 दिनों तक चले इस परीक्षण में विभिन्न हथियार ले जाने की क्षमता का भी परीक्षण किया गया। पता चलता है कि कुल 24 रॉकेटों का सफल परीक्षण किया गया जिनकी मारक क्षमता 40 से 60 किलोमीटर तक की है। गौरतलब है कि पोखरण में ही अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत ने परमाणु परीक्षण भी किया था। सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन के दौरान शनिवार को पीएम मोदी ने जनरल विपिन रावत को याद करते हुए कहा कि जनरल रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ाने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान और तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाने का काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं ना प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। गीता में कहा गया है नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल
सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति। मध्य प्रदेश के खांडवा से मिली खबरों के अनुसार भारत के सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनके साथ हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 13 लोगों के विरोध में अपमान सूचक टिप्पणी फेसबुक के जरिए करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। खांडवा की एसपी विवेक सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक का नाम दुर्गेश वास्केले है। उसने नागालैंड में सेना के हाथों मारे गए 14 लोगों के समर्थन में जनरल रावत की टीम के बारे में भला बुरा लिखा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब त्रिपुरा की विप्लव देव सरकार पर अपने विज्ञापन में बंगाल के विकास की नकल करने का आरोप लगा है। विज्ञापन में सियालदह ब्रिज की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। इसे लेकर तृणमूल और भाजपा के बीच राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। शुक्रवार को सरकारी ट्विटर के माध्यम से त्रिपुरा सरकार ने एक पोस्ट किया था। पोस्ट में लिखा था कि सड़क सुरक्षा को लेकर एक स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और विजेता को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पोस्ट में जो तस्वीर दिख रही है वह सियालदह फ्लाईओवर यानी विद्यापति सेतु की है। इसे लेकर तृणमूल के प्रवक्ता कृणाल घोष ने त्रिपुरा सरकार पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना पर करीब 9,800 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे 9 जिलों के 29 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोगों को श्रेय लेने की बीमारी होती है। दरअसल अखिलेश यादव ने सरयू योजना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वालों में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी शामिल थे। लोगों ने शनिवार को नम आंखों से इन वीर जवानों को अंतिम विदाई दी। पृथ्वी सिंह चौहान की पार्थिव शरीर को घर तक ले जाने के लिए टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत मात्र 2.5 घंटे में पूरी कर दी गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार वालों से मुलाकात की और शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय ही कुछ पार्टियों को कश्मीरी पंडितों की याद आती है। इन लोगों ने कश्मीर के लोगों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। अतीत में उनसे वादे किए गए हैं लेकिन आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया। तकलीफ में फंसे अफगानियों की मदद को तत्पर भारत सरकार ने आज पहली बार मेडिकल राहत की खेप काबुल को भेजी है। इस बारे में विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि कल ही काबुल से 10 भारतीयों और 94 अफगानियों को एक विमान से दिल्ली लाया गया था। आज उसी विमान से भारत सरकार ने मेडिकल राहत सामग्री की खेप काबुल भेजी है जिसे वहाँ मौजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन के लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने मदद की पहली खेप काबुल भेजी है। आज के लिए देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ
सब्सक्राइब करना ना भूलें।